सर काइंडली हमारा ये पेज को और बढ़ाइए और सब्सक्राइब की और हमसे टच में रखिएगा प्लीज। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स चित्रांश में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं कालीबाड़ी के पास दुर्ग भिलाई बेकरी लाइन में पद्मनाभपुर में, जो कि कार सेकंड हैंड मिलता है, अरोरा एसोसिएट करके है इनका दुकान है। तो चलो हम ओनर से बात करेंगे और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं इंश्योरेंस के साथ साथ ही और कितना किलोमीटर चला है, कौन सा मॉडल है और कितने रेंज तक मिलेगा, सभी मॉडल जो जो अवेलेबल हैं हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलो भैया ओनर से बात करने वाले हैं। कार सामने की ओर लग पार्किंग किया गया है, तो चलो चलते हैं। तो चलो हम भैया से बात करने वाले हैं, जो कि भैया यहीं शॉप में काम करते हैं, ओनर भैया तो नहीं आए हैं। तो भैया आप हमें कौन कौन सा गाड़ियाँ अवेलेबल है बताएंगे? ब्लोरो हर कंपनी की गाड़ी। ये कौन सा गाड़ी है? ये वाला ब्लोरो है। ये कौन सी मॉडल है? 11 की। और ये कितना किलोमीटर चली? ये चली 80 किलोमीटर। और ये इंश्योरेंस वगैरह है इसमें? और ये गाड़ी कहाँ की है? ये आज आपको कवर्धा की गाड़ी है। और ये इसका प्राइस क्या है? इसका आएगा 3,75,000। तो भी आप इधर सामने आ जाइए। और ये गाड़ी टोटल 80 किलोमीटर ना? 80,000 किलोमीटर चला हुआ है। अब यहाँ से हम दूसरा गाड़ी कौन सा बताने वाले भैया? बोलेरो 15 मॉडल। और ये कितना किलोमीटर चला हुआ? 85,000 किलोमीटर चला। और ये गाड़ी कहाँ की भैया? ये दुर्ग का ही गाड़ी है। और ये इसका इंश्योरेंस वगैरह अवेलेबल है इंश्योरेंस इसका। और ये करीब क्या बोलते हैं, इसका टायर भी तो टिप टॉप लग रहा है। तो टायर न्यू लगा हुआ है क्या भैया? नया है ना टायर। और इसके बाद कौन सा गाड़ी है? ये वाला 16 की है। ये भी बुलेरो है। बुलेरो ये भी बुलेरो है। ये भी 16 मॉडल है, 2016 मॉडल। ये 15 की है, 16 की है। ये 16 मॉडल है। ये कहाँ की गाड़ी है? ये कोरबा की गाड़ी है। अरे कितना किलोमीटर चले? ये चलिए 85,000 किलोमीटर। मतलब वो भी 15 मॉडल भी 85,000 चला, ये भी 85,000। और इसका इंश्योरेंस वगैरह? इंश्योरेंस लेस है। तो और ये इसका बाकी अंदर का कंडीशन वगैरह? कंडीशन भी एकदम टिप टॉप है। तो चलो हम आगे और कौन सा कार देखने वाले हैं? ये होंडा सिटी है, जो कि टॉप जो कि ब्रांड बोलते हैं, सभी लोग इसको पसंद करते हैं। तो हम बताएं ये कौन सा मॉडल भी? 16 मॉडल 2016। और ये कहाँ का गाड़ी है? ये रायपुर का। अच्छा रायपुर का है। 16 मॉडल है। टायर वायर सब नया लग रहे हैं? टायर नया है। कितना किलोमीटर चला ये? ये चलिए 60,000। अच्छा 60,000 किलोमीटर। बाकी तो ठीक लग रहा है सभी। और इसमें जैसे कि डिस्काउंट वगैरह होते हैं? इसमें डिस्काउंट वगैरह? इसका क्या है प्राइस? इसका है 7,00,000। 7,00,000 बाकी डिस्काउंट हो जाएगा ना। और इसके बाद हम देखते हैं ये कौन सा कार है? i20 है 10 की, 2010 मॉडल। ये कहाँ का कार है? कोरबा का है ना ये भी। ये कितना किलोमीटर चला? ये चली है 60,000 किलोमीटर। इसका क्या है प्राइस वगैरह? 2,50,000 ना। तो बाकी डिस्काउंट तो कंफर्म हो गई ना। ये सेकंड ऑनर है। अच्छा सेकंड ऑनर। और इसके बाद है ये शायद स्वीट का है ना? ये कौन सा मॉडल है? 19 की है। ये शायद दुर्ग के लग दुर्ग का है ना। ये कितना किलोमीटर चला? 13,000। मतलब अभी न्यू कंडीशन में ही है। और ये फर्स्ट ऑनर है ना। इंश्योरेंस तो अवेलेबल हो गए? 2 साल का इंश्योरेंस अवेलेबल है। प्राइस कितना बोले भैया इसका? 3,25,000 है। और बाकी इसमें नंबर भी दिया हुआ है, ये यहीं का शॉप का नंबर। अच्छा और ये इसके पास कौन सा गाड़ी है? स्विफ्ट है 12 की, 2012 मॉडल। इसका क्या है प्राइस वगैरह? 280। और कितना किलोमीटर चला? 58,000। ये भी दुर्ग का ही है। इसके बाद ये सेम मॉडल है क्या? ये डिजायर 2016 की है। 2016 मॉडल। ये कितना किलोमीटर चला हुआ है?
50,000 इंश्योरेंस वगैरह है किसका? और ये कौन सा फर्स्ट ओनर? फर्स्ट ओनर है ना। बाकी अंदर का कंडीशन भी अच्छा ही लग रहा है। ये देखिए स्पीकर वगैरह भी अवेलेबल है। देखिए ये रायपुर का गाड़ी है भैया, देख लीजिए। अब यहाँ से हम और से दूसरा गाड़ी देखते हैं। ये आई टेन भैया, ये कौन सा गाड़ी है? आई टेन मैग्ना 2011 मॉडल 1.2। अच्छा 1.2 कहाँ की गाड़ी है? तो रायगढ़ का गाड़ी है। इसका क्या है प्राइस वगैरह? 2,25,000। 2,25,000। अरे कितना किलोमीटर चलोगे? ये चली 58,000। 58,000 किलोमीटर। हाँ ये भी कंडीशन अच्छा ही लग रहा है। कौन सा मॉडल बोल दिया? 2011 मॉडल। चारों टायर नया डाला हुआ है। चारों टायर नया है। इंश्योरेंस अवेलेबल? हाँ। और ओनर नहीं, इसका इंश्योरेंस लैप्स हो गया। अच्छा लैप्स हो गया इंश्योरेंस। हाँ। और ये क्या बोलते हैं इसका जो फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर। हाँ। इसके बाद देखिए नैनो कार है, ये अभी भी चलता है, आप देखे ही होंगे। इसका कौन सा मॉडल है भैया? ये वाला 2013 दूर का कई गाड़ी है। और ये कितना किलोमीटर चला हुआ? ये चली है 60,000 चल रही है। 60,000 किलोमीटर। और इसका इंश्योरेंस वगैरह? अभी इंश्योरेंस लैप्स है। अच्छा लैप्स हो गया। तो और ये करीब कितना है इसका रेट? 85। और इसमें कम हो जाएगा ना इसका? हाँ नैनो से ऐसा होता है। अच्छा नैनो। और इससे ये देखिए कुछ और गाड़ियाँ बची हैं जो हम बता देते हैं। तो ये कौन सा गाड़ी है भैया? टोयोटा इनोवा। कौन सा मॉडल है? 2010 मॉडल। गाड़ी कहाँ की? ये दुर्ग का है ना। और ये कितना किलोमीटर चला? 1,20,000। और प्राइस क्या है? 4.5 लाख। तो ये कम से कम मतलब क्या बोलते हैं इंश्योरेंस वगैरह अवेलेबल है? इंश्योरेंस खत्म हो गया। बाकी डिस्काउंट वगैरह अवेलेबल? ये फर्स्ट ऑनर है? नहीं सेकंड ऑनर है ना। तो इसके बाद कौन सा गाड़ी है? बिलासपुर का गाड़ी है। और बाकी टायर वगैरह और अंदर सभी कंप्लीट ओके रहता है ना? और जैसे कि नाम ट्रांसफर कराने में, फाइनेंस कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं? जैसे कोई बाहर यूपी वगैरह से लेना होगा तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तवेरा। अच्छा ये तवेरा गाड़ी है। हाँ। कौन सा मॉडल है? 2012 मॉडल। कितना किलोमीटर चला हुआ? ये चल रही है भैया 80,000। 80,000 के ऊपर है? हाँ, है। और ये कितना इसका प्राइस वगैरह? 3,500। गाड़ी का कंडीशन तो अच्छा ही लग रहा है, बाकी धूल वगैरह है, धुलेगा तो और अच्छा लगेगा। इसके बाद देखते हैं कौन सा गाड़ी भैया? ये 7-8 की है, स्पार्क है। स्पार्क। कौन सा मॉडल है? ये 11 की है। 2011 मॉडल। कितना किलोमीटर चला होगा? ये चल रहा है 85। 85 करीब। अंदर पूरा ओके है? कंप्लीट पूरा कंप्लीट, टच प्लेयर लगा हुआ है। अच्छा ये गाड़ी का रायपुर कैसा है? रायपुर का गाड़ी है ये। इसके बाद देखते हैं वैगन आर सर, कौन सा मॉडल है ये वाला? 2016 मॉडल। ये फर्स्ट ओनर? फर्स्ट ओनर। अच्छा ये है रायपुर का गाड़ी है ये भी। बाकी सब ओके? कंपनी फिटेड है, ओरिजिनल कलर है, टायर कंपनी टायर लगा हुआ है। अच्छा चेंज नहीं हुआ। बाकी इसमें मीटर वगैरह में कुछ छेड़छाड़ तो नहीं होता ना? नहीं होता ना। तो देखिए यहाँ कुछ सब ओके है, मीटर वीटर कुछ छेड़छाड़ नहीं होता है। इसके बाद ये लास्ट गाड़ी नहीं? हाँ। तो ये लास्ट गाड़ी है देखिए। और ये शॉप ये सामने ही है, जस्ट कालीबाड़ी जस्ट बगल में है। और ये अरोरा एसोसिएट करके है। इसके बाद हम थोड़ा भैया भी बात कर लेते हैं जो ओनर है अनिल अरोरा जी, तो थोड़ा बोलते हैं उनको। चलो भैया से बात करते हैं, जो कि भैया का नाम क्या है? अनीश अरोरा। और ये शॉप कब से है? 2016 से। 2016 शॉप का नाम क्या है? अरोरा एसोसिएट। और यहाँ इसके पहले कहाँ था आपका शॉप? मेरा इससे पहले घर से ही कर रहा था, मैं भी 16 पद्मनाभपुर से। हाँ। इसके बाद मैंने ऑफिस भी शुरू। फिर भी कितना साल हो गया ये ऑफिस को? मेरे को डाले 2 साल। और इसके पहले करीब कब से? 2016 से। 2016 से। और ये प्रॉपर आपका घर वगैरह कहाँ है? ये पद्मनाभपुर MIG 16 में। यही पद्मनाभपुर में जी। और ये एड्रेस क्या पड़ता है?
जहाँ लोग आपको अगर गाड़ी लेना हो? जेल रोड का रहता है ये जगह, नियर कालीबाड़ी मंदिर के पास। कालीबाड़ी, ये बंगनापुर में ही आता है ना? जी कालीबाड़ी। बाकी यहाँ सभी गाड़ी अवेलेबल है या हर टाइप की? प्राइवेट व्हीकल्स में, फोर व्हीलर में काम करते हैं, चाहे वो मर्सिडीज हो। किसी को बाहर से यूपी वगैरह महाराष्ट्र से जो यहाँ से गाड़ी? हम सीधी पासिंग में ही काम करते हैं। सीधी पासिंग, फाइनेंस वगैरह कोई? सब पूरी फुली फाइनेंस हम काम प्रोवाइड करते हैं, साथ में आरटीओ का ट्रांसफर से लेके इंश्योरेंस से लेके हर चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ बाकी सर्विसिंग वगैरह का भी अवेलेबल है? हाँ, कार वॉशिंग, कार क्लीनिंग, डेंटिंग सब रिलेटेड। और हमारे सब्सक्राइबर बोल दीजिए सर, काइंडली हमारा ये पेज को और बढ़ाइए और सब्सक्राइब किए और हमसे टच में रखिएगा प्लीज़। भैया ने भी बोल दिया है तो आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और इसी तरह की वीडियो और मिलेंगी। अगर भैया के शॉप में और न्यू मॉडल आएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो अपनी वीडियो देखेंगे, बाय।